एक और स्टॉक जिस पे मैं राय लेना चाहता हूं, और वो है क्या एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है, सन टीवी। विश्वेश जी, डेटा आपको देखने हैं वायदा कारोबार के, और साथ ही चार्ट भी दिन के हाई पॉइंट के आसपास 5% की बेहतरीन मजबूती। ये जो चुनाव के नतीजों का रुझान दक्षिण से मिल रहा है, तमिलनाडु से, उसका असर सन टीवी पर आपको देखने को मिल रहा है। सन टीवी क्या यहां से भी बढ़ सकता है, ये बताइए। आज मैं बिगुल नहीं बजा रहा 2000 के, बिना 2000 के बिगुल बजाए ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं। मेरे हिसाब से अनिल जी, काफी टाइम से स्टॉक गिर रहा था, 650 से नीचे में ऑलमोस्ट 530 तक आया था, और संभव कहीं ना कहीं आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट जिस हिसाब से चेंज दिखा रहा है, ये सेफली अज्यूम कर सकते हो कि 600 की तरफ स्टॉक मार्च कर सकता है। बट रिलेटिव टू द अदर मार्केट काफ़ी टाइम से स्टॉक वीक रहा था, तो 600 के ऊपर ही मीडियम टर्म व्यू चेंज होगा। फिलहाल के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से 5% इज डेफिनेटली अ गुड नंबर। ठीक है, इस बीच लगातार कुछ और ट्रेड भी मिल रहे हैं। सुमित बगड़िया के पास एक और सौदा है, तो उनके लिए BTST का बिकुल। बताएं सुमित जी। देखिए, बैंकिंग स्टॉक में बंधन बैंक के अंदर ऐसा लगता है कि इसका बंधन खुल चुका है, और अब ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखाएगा। 615 के आसपास बंधन बैंक अभी ट्रेड कर रहा है, स्टॉक को अभी CMP पे ले लेना चाहिए। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा, और ऊपर में इमीडिएटली हमें 630 का पड़ाव है, तो 630 का पहला टारगेट होगा, और फिर 650 तक इवेंचुअली ये स्टॉक हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। 610 इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस है, 600 के आसपास कैरी ओवर पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होगा। 630 से 650 के टारगेट होंगे, तो CMP पे स्टॉक को ले लेना चाहिए। ओके, 615 बात करते करते 620 खरीदारी कर लीजिए। साफ तौर पर तेजी की राय आती हुई दिख रही है बंधन बैंक में। 630 और 650 ये है वो दो लेवल जिसके लिए आपको करनी है तेजी, 610 पर लगाना है स्टॉप लॉस। ये राय है सुमित जी की तरफ से, राय बहुत सारे एक्सपर्ट्स की है। सिद्धार्थ सेदानी साहब के लिए बिगुल, वोट दिया नोट लीजिए। चलिए चलते हैं नोट सभा BTST कॉल, और सिद्धार्थ जी बताइए क्या खरीदना है आपको। देखिए, जिस हिसाब से रुझान दिख रहे हैं, हमें लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का दिग्गज HDFC लिमिटेड को बाई कर सकते हैं। 2300 के लक्ष्य से हमें लगता है कि ये पोजिशनल हो सकता है, और ये स्टॉक हमें लगता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। HDFC लिमिटेड जो दिग्गज है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में, निम स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि यहाँ पे डिसबर्समेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इसको बाई करके चलना चाहिए 2300 के लक्ष्य से। ठीक है, HDFC है 2300 के टारगेट के लिए, आप इसको भी खरीदारी करें। फिलहाल का भाव अभी 2200 का भी नहीं है, ये राउंड फिगर वाला लेवल है, थोड़ा एक्चुअल वाला लेवल नहीं है सिद्धार्थ जी, जो आसानी से याद रह जाए। जैसे LNT पे देते थे, जैसे LNT 1994 रुपए का आपका टारगेट। HDFC के लिए वो टारगेट होना चाहिए 2330 का। चलिए 23, लेकिन इस बीच 300 के पार BJP, वाह, ये है आपके लिए। 464 सीटों का रुझान। बग्गा साहब, आपका स्वागत, देखिए कैसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गजब गजब। और ये जिस तरह का अनिल जी, जब एग्जिट पोल आए थे, हमने कहा था कि 12-14% का जो वोट डिफरेंस है वो मेकअप करना मुश्किल है। वो ये ट्रेंड अभी दिख रहा है बिल्कुल। तो जैसे शर्मा साहब भी कह रहे थे, लगता है इस ये हाल रहा तो BJP अपने बलबूते पे फिर से वो रिपीट कर सकेंगे। और इंदिरा गांधी के बाद ये पहली बारी होगा कि कोई प्रधानमंत्री एक पार्टी में मेजॉरिटी लेके आए, तो ये भी हिस्टोरिक है। ये देखते हैं आज 3:30-4 बजे तक थोड़ा क्लैरिटी आएगा, बट लग रहा है कि BJP अपने बलबूते पे भी मेजॉरिटी फॉर्म कर सकते हैं। ये सेकंड टाइम ऐसा होगा कि जब मोदी साहब वापस से फुल मेजॉरिटी के साथ वापस आते हैं। एक के बाद एक नहीं, इंदिरा गांधी लॉस्ट इन 77, उसके बाद पहली बार, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, फिर आई बैक। राजीव गांधी खाली एक बार जीते थे, ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वॉन मोर देन वंस इज जवाहरलाल नेहरू। तो हमको चाइना युद्ध तक जाना पड़ेगा। ये पहली बार अगर ऐसा होगा कि कोई नॉन कांग्रेस नॉन नेहरू प्राइम मिनिस्टर रिपीटिंग इटसेल्फ प्रो इनकम्बेंसी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, और इसके माने क्या होंगे अर्थव्यवस्था के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, बहुत जानने वाली चीज है। यह मैं कहना चाहूंगा, बग्गा जी बिल्कुल सहमत होंगे इस बात से कि जो अड़चने हमको पहले में देखने को मिली थी डीमोनेटाइजेशन
और उसके बाद में जीएसटी जो हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी पे थोड़ा सा डिसरप्शन किया, हालांकि वो लंबा इलाज था, थोड़ा पेन था इंजेक्शन में, लेकिन आगे की जो रणनीति है वो बड़ी सुदृढ़ हो गई है, तो वो पेन नहीं होगा और कंटिन्यूटी रहने की वजह से हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट डबल डिजिट पे ग्रोथ करने की पूरी संभावना है। ठीक है विजय जी, फिर मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है, इस पूरे 5 साल के अंदर ना किसान एनडीए से थोड़ा नाराज भी दिखे, 2-3 स्टेट्स में दिखे भी, अब उन्होंने कहा कि हम 2-2 हजार करके 6 हजार पे पहुंचाएंगे, वहां पे फिर न्याय आ गया, वो कह रहे हैं 72 हजार पहुंचाएंगे, तो किसान और किसान से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, जो बाजार में लिस्टेड कंपनी है, उन पे पॉजिटिव रुझान रखें? पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए, लेकिन किसान पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो दिल्ली का मीडिया बोलता है उसके बेसिस मत जाइए। अभी एमपी के अंदर मंदसौर से जहां पे कि किसान एजिटेशन चालू हुआ था, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां सारी सीटें जीती, तो बीजेपी ने रूरल में ज्यादा अच्छा काम किया है, और आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी ने किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, और किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा तो पिछले 60-70 सालों से हम सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि मोदी जी ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है महिलाओं में, युवाओं में, दलितों में और जो किसानों में, उसके ऊपर और एफर्ट डाली जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिम्पी जी कि टैक्स बायोएंसी हिंदुस्तान में 2 के आसपास हो गई है, इसका मतलब क्या है कि जीडीपी 1% बढ़ता है तो 2% टैक्स बढ़ रहा है आज की तारीख में, इसका मतलब क्या है कि सरकार के पास पैसा है, और ये सरकार ज्यादा एफिशिएंसी से पैसा गरीब लोगों तक, किसानों तक पहुंचा पाई है, और आने वाले 5 साल में और पहुंचा पाएगी, तो आपका पॉइंट एकदम सही है, रूरल इकोनॉमी और जो किसानों से रिलेटेड शेयर्स है वो सेक्टर में अच्छा उछाल आए। और इस बीच बिगुल एक जल्दी से बजा दीजिए, वागले साहब आ चुके हैं फुल फॉर्म में, फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि देर मत कीजिए, बिगुल बजाइए जल्दी से और फुल वॉल्यूम के साथ, आने की तैयारी में तोप का मुंह खुल चुका है। बताइए वागले साहब, क्या खरीदना है, बेचने की तो आज कोई बात ही नहीं। अनिल जी, बाय करके चलना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 830-831 का भाव है, 818 का स्टॉप लॉस होगा, 851 का टारगेट है, क्लियर कट ब्रेकआउट है, 5% ऊपर है, और मुझे लगता है ये 7-8% ऊपर बात करते करते हो जाना चाहिए अगले आधे पौने घंटे में। तो आओ चलो फिर बात ही करते कैसे है वागले साहब आप? अगर वो कोरिलेशन है तो फिर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन वागले साहब ने ये सही कहा कि ये कुछ 2-3 स्टॉक है जो बहुत तेजी से भागने को तैयार है, उसमें एक मेरे रडार पे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी था, ये वाकई में हाई बीटा स्टॉक, हाई रिस्क स्टॉक, और आज 850 का टारगेट जो दिया है वागले साहब ने, उस तरफ तेजी से भागने को एकदम से तैयार है। दूसरा स्टॉक जो तेजी से भागने को तैयार है वो है यस बैंक। यस बैंक 2.5% मजबूत होता हुआ दिखा है, लेकिन आज जो नोट सभा में इतनी खुशी, इतने उत्साह, इतने उमंग का माहौल है, कभी कभी ऐसा मुझे, आपने बचपन में कभी ऐसा देखा है किचन में जब खाना वाना बनता है, तवा गर्म होता है, चपातियां सिक रही है, उसके ऊपर आप पानी डालते हो ठंडा वाला या सादा, तो कैसा होता है वो, आवाज कैसी आती है एकदम से छोंक जैसी आवाज, हाँ छोंक जैसी आवाज आती है, और एकदम तवा ठंडा होने लगता है। तो आप सबको मैं बता दूं, आपके सबके प्रिय श्री आशु मदान जी इस वक्त अमेरिका से आपको लाइव देख रहे हैं, और वो फोन करने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, अनिल जी मुझे सेल कॉल देनी है। तो स्वागत करिए आशु जी का बिगुल के साथ, कुछ चीजें नहीं मतलब बिगुल के साथ आशु जी के लिए। एक बात तो पक्की है, जब तक आशु जी मंगल या किसी और ग्रह पर न जाए तब तक वो कांटेक्ट में है, वैसे तो मंगल ग्रह पर भी वाया सैटेलाइट कांटेक्ट हो सकता है अब तो, लेकिन आशु जी मन नहीं लग रहा हमारे बगैर अमेरिका में आपका? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं लग रहा, और मैंने तो आपको कई बार मैसेज किया कि मैं पूरी कवरेज आज भी देखूंगा और बीच बीच में भी देखने की कोशिश करता रहा। अनिल जी सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, और आज उस नोट सभा में तो अपने आप को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनिल जी आज मैंने कहा कि आज जरूर कॉल देनी चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, एक और चीज है, कॉल तो आपको पता है कि मुझे तो अनिल जी क्या करूं, मतलब आदत से मजबूर हूं, लेवलर प्ले करना पड़ता है, तो मेरी आज भी मतलब सेल कॉल है जी जी। और उससे पहले एक ये चीज कहना चाहता हूं अनिल जी, आपने सन फार्मा की भी इतनी सेल कॉल दी थी जी, विड्रॉ करने की जरूरत नहीं अनिल जी, इतना कुछ सबका प्लस होगा, सब लोग इतनी तेजी में है, 300+ सब देख के कुछ ना कुछ हेड शॉट जरूर होना चाहिए। सन फार्मा जो आपने आइडेंटिफाई किया था बढ़िया शॉट था, उसमें बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है।
बिल्कुल ठीक बात है, अभी भी थोड़ा नीचे ही है, इतने मजबूत बाजार में आधा परसेंट नीचे ही है, 427 का ही बनाकर 420 के आसपास। अनिल जी, मेरी एक, आप जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक हेड शॉट है, और शॉर्ट करना है इन्फोसिस। अनिल जी, इन्फोसिस आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 700 रुपए भी ब्रेक कर जाएगा, और ऐसी मार्केट में इस तरह की कॉल देना थोड़ा सा मुश्किल, और बोल्ड तो जरूर है, लेकिन अनिल जी क्या करूं, मुझे लेवलर प्ले करना है। और लिमिटेड इंटरवेंशन से अनिल जी, इन स्पाइट ऑफ 300 प्लस सीट, कुणाल जी से पूछ दीजिए अगर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और कॉल राइट है कि नहीं इन्फोसिस में, राइट? हाँ जी बिल्कुल कुणाल जी, इन्फोसिस लिमिटेड इंटरवेंशन, आप ये मत कहिएगा बेचना नहीं है, बेचने का मन तो बना चुके आशु जी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ लेवल दे सकते हैं बस। नहीं जी, मेरी इतनी मजाल नहीं है, आशु जी बेचने को कह रहे हैं और मैं खरीदने को कह दूं, तो बिल्कुल देखिए, हालांकि मेरी बिकवाली की राय बनेगी अगर ये 705 के नीचे जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह आशु जी प्रियम्प्ट करे बिना मानेंगे नहीं, तो इन स्तरों पर अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस 720 रुपए पर बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें, 705 के नीचे कमजोर हो जाएगा और 690 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, तो ये है इंफोसिस में बिकवाली की राय। आशीष जी, और कोई कॉल देना चाहते हैं आप? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अच्छा स्टॉप लॉस दिया है, बाजार ऐसी मार्केट में जरूर ऊपर के स्टॉप लॉस टाइट होने चाहिए, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ अनिल जी, मेरा काम है लेवलर प्ले करना, मोदी जी आए, बीजेपी आए, एनडीए आए, ये सब 2 या 3 दिन की बात है, उसके बाद वही इकोनॉमिक पैरामीटर्स, वही फंडामेंटल्स, वही अर्निंग, वही सब कुछ वापस आ जाएगा, वही कुणाल जी और राकेश जी हम होंगे और वही मार्केट होगी, वो सब तो वापस आ जाएंगे। आप ये बताइए, आप वापस कब आ रहे हैं ताकि हमें पता चले, उसके एक दिन पहले से मंदी पूरी फुल फ्लेज करनी, बताइए सर कब आ रहे हैं? नहीं नहीं अनिल जी, ऐसी कोई मंदी नहीं, मैं मंडे को वापस आ जाऊंगा अनिल जी, मैं मंडे को इंडिया वापस आ जाऊंगा। एक मिनट आशु जी, इधर वीके शर्मा साहब, अजय बग्गा साहब, नोट सभा के हमारे सारे सभासद सब एक मत से कर रहे हैं, 10-15 दिन आपका हॉलीडे स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या जल्दी से आइए ना। अच्छा सर, ट्रंप साहब को भी समझाइए वहां पर कि थोड़ा मूड वगैरह ठीक करे, चाइना वाइना से लड़े नहीं, आप ही घूमे फिरे, अमेरिका इतना बड़ा देश है, जल्दी क्या आने की आपको, मुझे बताइए। अनिल जी, मैंने तो बिल्कुल उस दिन कहा था कि मैं बिल्कुल परमानेंट रहने को तैयार हूँ, स्पॉन्सर करवा दीजिए, और देखिए अनिल जी, स्पॉन्सर करने में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसका होता है जिसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कुणाल जी का होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होता है। कुणाल जी का तो आपको पता है, बाकी लोगों के पोर्टफोलियो आपको अभी तक पता नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए थोड़ा, ये हमारे विकास जी, संदीप जी वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिन जिनके पोर्टफोलियो कितने गहरे और कितने बड़े, बट एनीवे हम आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, देश में सबकी जरूरत है, तेजी करने वालों की भी उतनी जरूरत है जितने मंदी करने वालों की, क्योंकि कोई बेचेगा तभी तो आप खरीद पाओगे, नहीं तो तेजी होगी कैसे। शुक्रिया आशु जी, आप वहाँ पर छुट्टियों पर होते हुए भी इतना वक्त निकाल रहे हैं और हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े हुए और दिल से अपनी राय दे रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और आप फिर कभी भी वापस कॉल आ जाए तो जरा मैसेज जरूर कर दीजिएगा, चिंता ना करें। ओके, अच्छा, और इस बीच बाजार बेहद मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और मैं एक स्टॉक और है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, और वो है BEML। स्टॉक बहुत तेजी से आज ऊपर आया है और मजबूती के साथ कारोबार भी करता हुआ दिख रहा है, 4% मजबूत है, 960 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। BEML पर राय चाहता हूं मैं, और BEML पर किरण जी जरा राय दीजिए अपनी। किरण जी, अनिल जी, BEML पे बाय कॉल की है, और जिस तरीके से वॉल्यूम से ये ऊपर चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस करीबन 948 के लेवल रहेंगे, कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि आपको करीबन 996 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड में काफ़ी बेहतरीन काउंटर देखने को मिल रही है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड में काफ़ी बेहतरीन काउंटर है। इस बीच कुछ एक और शेयर जिन्होंने परसेंटेज में 5% से ज़्यादा की मजबूती दिखाई है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, नतीजों का भी असर है, 8% ऊपर, इंडसइंड बैंक 7.5% ऊपर, आज आप स्टॉक ऑफ द डे में बता भी रहे थे, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस जो कि 5% ऊपर आ चुका है, जो और आना चाहते हैं ऊपर 5%, उसमें क्या सीमेंस हो सकता है? एक बार जरा वागले साहब, नहीं हो सकता, बिना बिगुल के हो ही नहीं सकता। तो कौन सा सर बिगुल बजाना, BTST वाला क्या? हाँ, वोट दिया, नोट लीजिए। अच्छा ठीक है, BTST बजाइए बिगुल। और डिंपी जी के प्रिय बंसल जी सीमेंस रिकमेंड करना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए हमने रुका है। बंसल जी, ओवर टू यू। अनिल जी, देखिए, सीमेंस एक नई टेरिटरी में निकला हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट है, और जिस तरीके का स्टॉक स्ट्रक्चर है, ये एक अच्छी रीरेटिंग दे सकता है, और 1198 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 1256 के एक टारगेट के लिए सीमेंस को खरीदने की राय है।
ठीक है, सीमेंस में आप कर सकते हैं खरीदारी, इस पे आपको नए टारगेट्स भी मिलेंगे, आज काफी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। शर्मा साहब एक और चीज है, सब लोग ये कह रहे हैं कि आगे चल के इंफ्रा पे बड़ा फोकस होगा, फोकस होगा तो सीमेंट की जरूरत पे पड़ेगी, सीमेंट की कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है? देखिए महंगा कोई है, सस्ता है तो वो बता दीजिए। बजट वाले दिन और खासकर ये देखते हुए एक सरकार नई बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खर्च करेगी, हम वैल्यूएशंस में नहीं जाएंगे, हम सबसे बेहतरीन चीज लेंगे। तो अल्ट्राटेक लीडर है, लार्जेस्ट कैपेसिटी है, अच्छा। उसके बिना कोई प्राइस बढ़ा नहीं सकता है। लार्जेस्ट कैपेसिटी वालों के लिए मार्जिन से बड़ी दिक्कत आती है, अच्छी बात यह है कि उनको, अच्छी बात सोचिए, बिना नया कैपेक्स किए रेवेन्यू बढ़ेगा? जब आपकी कैपेसिटी पूरी नहीं है और जो भी आप कैपेसिटी बढ़े, आपकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो वो तो सबसे अच्छी बात है कि जो सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है उसमें आपको नया कैपेसिटी करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अच्छी बात है। दूसरा, आप ये इनके साथ साथ ऑब्वियसली एलएनटी को जोड़ लीजिए, तो दो ये बेहतरीन स्टॉक हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा इस वक्त कि इस वक्त जो आपके ओवरऑल जो परसेंटेज बन रही है 329 सीटों की बन रही है, एज इट इज अगर ट्रेंड होल्ड करता है तो, पर अगर हम ये माने कि बंगाल में जहां पे सिर्फ 18 का रुझान है, 15 उसको तृणमूल को जा रही है और बाकी भी उनको जाए तृणमूल को, तो भी आपको 327 सीटें ही मिलती एज इट इज बनती है, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन इस बीच एक बिगुल और चाहिए और ये बिगुल है संदीप जैन साहब के लिए, और संदीप जी भी अपना कॉल देना चाहते हैं। ठीक है, तो बीटीएसटी का बिगुल। जैन साहब बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा और जब भी नई सरकार आएगी, जिस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने पिछले इनिंग्स में जिस तरीके से अपना एक अच्छा रोल प्ले किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से ये लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। ऐसा क्यों भी जो कौन इंश्योरेंस ज़्यादा कौन लेगा फिर अब आज? इंश्योरेंस तो देखिए जिन्होंने ऑप्शंस कर रखे थे, जिन्होंने जोड़े बनाए थे, उन्होंने तो अपना इंश्योरेंस तो किया ही है मार्केट वाले, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि फाइनेंशियलाइजेशन पूरे इकोनॉमी में जो बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की खास बात यह थी पिछली बार भी जनधन की जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन की, हो सकता है कि इंश्योरेंस के ऊपर भी काफी पॉलिसीज लाए हैं और भी आगे आने वाले दिनों में लाएंगे, तो HDFC लाइफ बहुत जबरदस्त कन्विक्शन आ रहा है मुझे इस स्टॉक पे। मैंने इनफैक्ट एक दो दिन पहले भी आपके चैनल्स पे ये रेकमेंड किया हुआ और यहाँ से 415 का तो मैंने आज का ही टारगेट दिया और आने वाले दिनों में ये 475 तक के टारगेट बहुत आराम से दिखाएगा। ठीक है, HDFC लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ, इससे पहले HDFC AMC भी थोड़ी देर पहले रिकमेंडेशन के तौर पर आया, तो HDFC के दोनों ही शेयर यहाँ पे मजबूत हैं और इससे पहले, गिनती से पहले, दो तीन दिन पहले खुद बंसल जी, कुणाल जी भी हमको ये बात कह रहे थे कि HDFC के स्टॉक्स पे आप ध्यान रखें, ये और मजबूत होता हुआ दिखेगा। बग्गा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं कहूंगा जो हमने मंडे को भी डिस्कस की थी। हाँ जी, इलेक्शन से एक साल पहले से सरकारें ओवर स्पेंड करना शुरू कर देती हैं, वो लैग के साथ कंजम्पशन में आता है पैसा। ओके, वो पैसा आने वाला है, तो आज देखिए कंज्यूमर भाग रहा है, सारा FMCG भाग रहा है, ऑटो भागेगा, सीमेंट भागेगा, ये तीनों आपको सेक्टर पकड़ के रखने हैं, ऑटो कंजम्पशन सीमेंट, ये आप देखिए कंजम्पशन सीमेंट, सीमेंट ये तीनों भागने वाले हैं और अब सरकार तो बन गई लग रहा है, और देखते हैं आज रात तक वो सब फैसला हो जाएगा। जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा लंबा सोचिए, 2014 में जब आप आए थे क्या मुश्किल थी देश के सामने? इन्फ्लेशन सबसे बड़ी मुश्किल थी, दूसरा था करप्शन, वो दोनों आप कर चुके हैं टैकल। शर्मा जी ने जो बोला कि बहुत मुश्किल जो आपके फैसले थे, डिमोनेटाइजेशन, GST, रेरा, ये सब चीजें आप कर चुके हैं, तो ये जो 2004 में जो ट्रेजेडी हुई बीजेपी के साथ कि वाजपेयी जी ने बहुत काम किया और कांग्रेस ने आके सारा हार्वेस्ट किया, ये अगर नहीं होता है और आज मोदी जी और 5 साल के लिए आते हैं, इसमें अब ग्रोथ भागेगा। जो ये तैयार थे, वो वाजपेयी जी ने काम किया, वो 5-7 साल इकोनॉमी चल गई, जब तक कि करप्शन आके उसने इकोनॉमी को बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया। अब हमारा क्या, हमने नींव डाल दी है, इमारत की बहुत अच्छी नींव है, सुदृढ़ नींव है, अब सब बोल रहे हैं कि हमें ग्रोथ करनी है और ये सरकार तेजी के साथ ग्रोथ में आएगी, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, 6 जून को RBI रेट कट करेगा, आप पोजिशन बनाना शुरू करिए और ये ऑटो आपका भागेगा, जो ऑटो बिल्कुल ही बुरा लग रहा था, और 3 महीने दीजिए, आप देखिए ऑटो कैसे देता है। सीमेंट ऑलरेडी शुरू हुआ, 15% स्टॉक बढ़ गए हैं जब से हमने डिस्कस ही किया पिछले 3-4 दिनों में, और
फाइनेंशियल में जब चेंज आएगा एनबीएफसी का, सरकार कुछ ना कुछ निवारण करेगी, उसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट आता है ऑटो में सीधा। ओके, ऑटो के गिरने का एक कारण था आईएलएफएस एनबीएफसी, वहां से सब कुछ रुकना, फंडिंग रुकना, लिक्विडिटी रुकना। लिक्विडिटी जैसे एड्रेस होगी आपका कंजम्पशन ऑटो भागेगा। ठीक है, लेकिन इस बीच हमारी नोट सभा में मेंबर्स बिल्कुल तेजी से तैयार है, ढेर सारी, 1, 2, 3, 4 माय गॉड लाइन लगी है, जल्दी से बिल्कुल बजाइए, वोट दिया नोट लीजिए। विकास सेठी साहब जो कि जाने माने जाते हैं फंडामेंटल कॉल देने के लिए और कई कई दिनों के लिए, हफ्तों के, महीनों के लिए, और उन कॉल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो फंडामेंटल कॉल होती है और इन्वेस्टमेंट कॉल होती है, बन जाती है ट्रेडिंग वाली, जो टारगेट 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने के होते हैं वो हो जाते हैं आज के आज पूरे। ऐसा ही एक और कॉल आ रहा, बिल्कुल देख लीजिए आप, बताइए विकास जी। देखिए बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा पहला पिक था एलएनटी, वो मोर और लेस मेरे टारगेट के आसपास आ चुका है। मैंने 1400 एलएनटी पे टारगेट हिट लगाइए और टारगेट हिट लगाइए बंधन बैंक पर भी। सुमित जी बधाई है आपको, 630 का टारगेट आपका बंधन बैंक आ चुका है, एलएनटी की बधाई। विकास जी आपको भी, आपका एलएनटी का टारगेट ऑलमोस्ट सुपर हिट है। अब बताइए विकास जी, अब नया क्या लेना ये बताइए। बिल्कुल, जो दूसरा स्टॉक मैं आज रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है उज्जीवन फाइनेंस। ये एक स्मॉल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी है। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट पावर में आने के बाद एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने का, इन सब पे ध्यान रहेगा। प्लस आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है जून के 6 तारीख को, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ पे भी एक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। तो एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स, इन सबको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। बट आज के लिए भी मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर गवर्नमेंट आती है, जो कि पूरे पूरे चांसेस है रिजल्ट्स आने के बाद, तो मुझे लगता है वी कुड सी लेवल्स ऑफ 355-360 ऑन द स्टॉक टुडे इटसेल्फ। लेकिन एक चीज बता दूं, उज्जीवन इस स्टॉक की खासियत बता दूं, और खासियत है कि आज 12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर किसी एक स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट है तो वो उज्जीवन में, और स्टॉक है 3.5% मजबूत, और इस स्टॉक का सिग्नेचर बाय पैटर्न वो पहचानने के लिए जाने जाते हैं विश्वेश चौहान। विश्वेश जी उज्जीवन बताइए जरा कितना तेजी से भागने वाला है। सर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट इज समवेयर अराउंड 23,82,000 और आज के दिन में ऑलमोस्ट 2,64,000 इन अ फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड ऐड हो चुका है, तो मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट बाइंग है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 ही घंटा हुआ है और वॉल्यूम कल के दिन का ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, तो समवेयर जो सेठी साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ हो सकता है। लेकिन मैं एक कॉशन नोट करूंगा, 355 पे मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस है, 355 पे अगर अटकता है तो एक बार के लिए बुक करें, उसके ऊपर में फिर से फ्रेश खरीदारी करें। चलिए एक बिगुल और बजाइए, ये बिगुल जॉइंट बिगुल है, दो पहरेदारों के लिए, सुमित जी के लिए और संदीप जी के लिए। ठीक है, दो राजस्थान के पहरेदार जो नॉर्थ सभा के दोनों तरफ बैठे हैं, और बिगुल जॉइंट इसलिए क्योंकि दोनों का स्टॉक एक है, तो आप सोच लीजिए कहां एक टेक्निकल कम वायदा कारोबार और दूसरी तरफ तगड़े वाले फंडामेंटल प्लस लॉजिकल, और कॉल आ रही तो कितनी जबरदस्त होगी। पेन पेपर या फिर अपने कंप्यूटर पर तैयार हो जाइए बिगुल के बाद। तो आप आपस में टॉस कर लीजिए, पहले कौन बोलेगा, सुमित जी या संदीप जी? संदीप जी को बोलने दीजिए अनिल जी पहले। हाँ, सीनियरिटी का फायदा उठाते हुए चलिए संदीप जी शुरुआत कीजिए, कौन सा स्टॉक है? थैंक यू सुमित जी, थैंक यू अनिल जी। अच्छा, मैंने हीरो मोटो को आप देखिए अनिल जी, अगर याद हो आपको थर्सडे के दिन ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था, जो 2 से 3.5 का शो था, और उस दिन इनफैक्ट टेक्निकली खराब था और कहीं ना कहीं 2450-60 के लगभग था, और देते टाइम पे डर तो लग रहा था क्योंकि एक कॉन्ट्रारियन कॉल टाइप का था, और उस दिन मार्केट थोड़ा तेज हुआ, फिर फ्राइडे को तेज हुआ, फिर मंडे को, अब तो काफ़ी ऑब्वियस हो गया कि ये सारे वापस से जो ऑटो स्टॉक्स है, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स है, ये चलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में जो आगे आने वाले दिन है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। एक अंडर परफॉर्मर रहा है, वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते लगते हैं, बजाज ऑटो फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है इस सेक्टर को, तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प भी कैचअप करेगा और आराम से ये 2900 रुपये तक के टारगेट्स आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं इसमें, और आज का टारगेट जो है मेरा 2800 रुपये का। ठीक है, आज का आपका टारगेट 2800 का है, बताइए सुमित जी जल्दी से। अनिल जी आज लगता है कि एस दोनों नाम हमारा मैच है, राजस्थान मैच है, बीजेपी के लिए रुझान मैच हुआ और स्टॉक भी मैच हो रहे हैं,
तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर यहाँ से हमारा भी बाय का व्यू बन रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। स्टॉक ने कल के हाई ब्रेक किया और यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 2830 का पहला टारगेट होगा, फिर 2900 तक के लेवल्स हमको हीरो मोटोकॉर्प के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे के अंदर यहाँ से 85 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिया तो बहुत हो गया। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, बड़ा अपमूव मिलेगा, 3000 तक भी ये मूव हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अच्छा, आज का स्टॉप लॉस एक बार फिर से बोलिए सुमित जी। आज इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2700 के आसपास। 2700 स्टॉप लॉस टारगेट, टारगेट 2830 से 2900। 2830 2900 के टारगेट। बिगुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी राकेश जी फुल फॉर्म में, इसी बिगुल में काम चलाएंगे पीटीएसटी वाले में ना, वोट दिया नोट लिया। अच्छा ठीक है। बताए सर। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक वो स्टॉक है जो कि लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और जब मार्केट सुस्त था उस समय भी ये स्टॉक अपने आप को होल्ड किए हुए था और अब इसमें फ्रेश मोमेंटम फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर कोटक बैंक को बाय करना है, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखें और मौजूदा स्तरों पर कोटक बैंक को बाय करें। ओवर टू राकेश। अनिल जी एकदम अनचार्टेड टेरिटरी पे चल रहा है, ब्लू स्काई जोन में प्राइस चल रहा है। 1520 का एक स्टॉप लॉस लगाए हैं, पहला टारगेट है 1565 और उसके बाद 1572, ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और इन टारगेट्स के लिए कोटक बैंक को खरीदने की राय है। ये तो कोटक बैंक को खरीदारी करने की राय है आपके लिए, यहाँ पर साफ तौर पर आती हुई दिख रही, लेकिन राय सिर्फ खरीदारी की हो तो मजा तो नहीं आता है, शॉर्ट तो लीजिए। अमेरिका से फिर कॉल आ रही है सर? नहीं, लोकल भी है। अच्छा लोकल। बिल्कुल बजाइए। ठीक और पहुंचे सीधे बिना दाएं बाएं इधर उधर समय गवाए विकास सेठी जी के पास। अच्छा जी बिल्कुल के पास। माफ कीजिएगा विकास जी, किरण जी। अच्छा एक में विकास जी, आप तो बाय कॉल वाले, ये वाला जो बिगुल निकला था ना ये सेल वाला निकल गया था, तो सेल वाले के लिए हमें थोड़ा पूना, नहीं पूना कैसे जाएंगे, जाना तो यही है नोट सभा में, पूना ही नोट सभा में है आज। तो किरण जी बताइए क्या बेचना है? औरबिंदो फार्मा, पिछले 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है और बहुत बड़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। जहाँ पे मार्केट इतना बढ़ गया है, औरबिंदो फार्मा ने एक नया लो लगाया है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़े टारगेट्स की तैयारी हो रही है नीचे की तरफ। मेरा स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है 666 का, यानी 6 रुपये करंट लेवल से ऊपर है और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 645 से 640 के टारगेट्स आज ही आ जाने चाहिए। डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेंज डेटा भी देखते हैं तो नीचे के पुट ऑप्शंस में बहुत बड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो इस हिसाब से इधर बहुत बड़ा मुनाफा होता नज़र आएगा। मार्केट ऊपर जाए या थोड़ा सा करेक्ट हो, ये तो नीचे जाने की तैयारी पूरी कर रहा है। ओके तो ये है आपके लिए औरबिंदो फार्मा पर राय और अगला बिगुल अब विकास जी के लिए। विकास जी बताएं सर। यस अनिल जी, अगला बाय कॉल है दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और मुझे लगता है ये होना हो एक जेट एयरवेज पे जो पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है जिसके कारण से स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में अच्छा चला है, उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा जाना चाहिए। और दूसरा जो मैंने एक में आवाज को क्या हो गया, चलिए विकास जी की आवाज हम चुस्त दुरुस्त करते हैं, नहीं आवाज तो चुस्त दुरुस्त ही होगी, वो आवाज आने की प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन इस बीच विजय जी मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। अभी बगस साहब कह रहे थे कि सरकार के पास मैंडेट आएगा तो बड़े फैसले लेगी, ये फैसले पिछली बार की सरकार में पहले सख्त लिए गए थे बाद में नरम लिए गए थे समझते हुए देश की जोड़ तोड़ को, इस बार फैसले सरकार पहले से फिर से वो सख्त लेने वाली है या फिर नरम लेगी, उसका एक एग्जांपल क्या 6 तारीख को मिल जाएगा जब पॉलिसी आने वाली है। दो तरह की बातें चल रही हैं बाजार में, पहला है कि लिक्विडिटी को टाइट करेंगे, एनबीसीज की प्रॉब्लम अभी चल रही है, दूसरा कि लिक्विडिटी को और रिलीज करेंगे ताकि उनको स्पेस दिया जाए, क्या होगा सर? मेरी राय है वो ऐसा होगा कि इंटरेस्ट रेट तो इकोनॉमी के अंदर ऊपर जाएगा क्योंकि सरकार को पैसे खर्च करके इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट ब्रोकन है, प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट ब्रोकन है, तो आपको जीडीपी को एक्सपांड करना पड़ेगा तो लीड तो सरकार को लेनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सपांशनरी बजट हो सकता है, पहला मैटर ये। दूसरा मैटर है जो इकोनॉमिक पॉलिसी में मुझे लगता है कंटिन्यूटी रहेगी और वो कंटिन्यूटी पाथ ब्रेकिंग कंटिन्यूटी है कि अभी तक क्या होता था कि रिस्क तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ट्रांसफर कर दी जाती थी और प्रॉफिट मुनाफाकार खुराक बना के ले जाते थे, वो प्रोसेस चल रहा था इतने सालों से। अभी मुझे लगता है कि बिजनेस की ऑनेस्टी को ज्यादा प्रीमियम दिया जाएगा,
तो पूरा बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो हो रहा है वो होता रहेगा, तो ये मुझे अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है और बाजार के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। इसको आप हल्का कदम मानते हैं यानी कि ये इजी वाला कदम है कि टाइट कदम है? ये कंटिन्यूटी है, उसमें मुझे कुछ खुश खास बड़ा बदलाव, ऑप्टिकली कुछ ऐसी बातें हो सकती है लेकिन जो मोदी जी की धारा है वो मुझे लगता नहीं उसके अंदर कुछ बड़ा बदलाव वो करेंगे। सर विक्स जो है ऑलमोस्ट 7.5 पॉइंट डाउन है, विच इज समथिंग इन माई ओपिनियन, और जो कल स्ट्रेडल मतलब एट द मनी कॉल और पुट 1800 रुपये कॉस्ट कर रही थी वो आज आधी हो गई, ऑलमोस्ट 900 रुपये हो गई है, और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, फिर भी 12000 हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, और मोर और लेस इट इज़ नाउ सर्टन कि बीजेपी इज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट मे बी इन द यू नो सिंगल हैंडेड ली ऑल्सो। तो इस सूरत में मेरा ऐसा लग रहा है थोड़ा ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है तो हेज रहना चाहिए, और जहाँ पर ब्रेक डाउन है वहाँ पर शॉर्ट भी रहना चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों ने लॉन्ग कॉल दिए, तो मेरी ओर से जो है वो शॉर्ट कॉल है, शॉर्ट करना है टेक महिंद्रा, जो थोड़े दिन पहले हमने टोरेंट पावर में टोरेंट फार्मा में शॉर्ट कॉल दिया था, सिमिलर सेटअप है, डबल टॉप है और उसका ब्रेकडाउन हो चुका है 765 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पे 745 पे अगर शॉर्ट करते हो 765 के स्टॉप लॉस से, सो मेरा ऐसा मानना है 700 पहला टारगेट और 680 दूसरा टारगेट। इनफैक्ट मैं थोड़ा कॉशन भी नोट करूंगा, थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें क्योंकि सेकंड हाफ शायद वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, टेक महिंद्रा को करने के लिए शॉर्ट की राय मिल रही है आपको, 700-680 इसका स्टॉप लॉस है, 765 का स्टॉप लॉस को भी तवज्जो दीजिएगा, ये टारगेट और स्टॉप लॉस भी आप नोट कर लीजिए, आज दोनों ही हो सकता है आपको लगते हुए दिख जाए एक ही दिन के अंदर ही। अब तैयारी 2000 सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला, थोड़ा वॉल्यूम अच्छा रखिएगा, मुझे भी तो जोश चाहिए, जोश वाला बिल्कुल। सर बादलों की गड़गड़ाहट के साथ कह के चलने वाला स्टॉक, ये शब्द किसके हैं दीपक जी? सर मेरे ही हैं शब्द। बिल्कुल, तो जरा आप देखिए कि क्या ये स्टॉक कह के चलने वाला है, बताइए सर। इक्विटास 138.50 रुपये ये है इस वक्त इक्विटास का दाम, और यहाँ पर करिए आप भरपूर तेजी, और कर्टसी इक्विटास उज्जीवन किसने कॉल दिया था उन्हें थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि क्रेडिट दे दी जाए, वहाँ से मैंने इक्विटास पर नजरें जमाई थी उज्जीवन का कॉल आने के बाद। विकास जी, विकास जी आपको धन्यवाद, और अगर ये स्टॉक बढ़ा तो उसमें क्रेडिट आपको भी पूरी पूरी जाएगी, और दूसरी क्रेडिट एक और आदमी को जाएगी और वो होंगे विश्वेश जी जिनके पास मैं आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज के 2000 बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है, तेज़ी से भागने को तैयार है, 145-150 की रेंज में पहुँचेगा, तो स्टॉप लॉस और टारगेट जरा पहले विश्वेश जी आप बता दें क्या रखने चाहिए और क्या ये 2000 के लिए परफेक्ट है? देखिए मेरे हिसाब से मोमेंटम है, इनफैक्ट सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में मैं मॉर्निंग से नोटिस कर रहा हूँ कि मोमेंटम है, आज के दिन में ऑलमोस्ट 70,000 इसमें ओपन इंटरेस्ट जो हुआ है 4,12,000 शेयरों का हो गया, लेकिन एक ही कैवेट है अनिल जी, अभी इमीजिएटली एक रेजिस्टेंस है 140 रुपये के आसपास, खाली 60 पैसे दूर है, तो अगर उसके ऊपर स्टेबल हो जाता है तो उस सूरत में फिर जो अगला लेवल निकल के आता है वो है 149 रुपीज़ का, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी यू नो वेट एंड वॉच करनी चाहिए, 140 के ऊपर खरीद। अरे एक मिनट सुनिए, ये अगर मगर में तो बीजेपी 282 के ऊपर निकल गई अकेले, अब ये 25-50 पैसे में कहां दिमाग लगा रहे हैं हम, 140 के ऊपर निकल जाएगा, अब बताइए आगे, अगर 140 के ऊपर निकल जाए तो फिर अगर बताइए मेरे हिसाब से सर काफी क्रिटिकल लेवल है तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं, तो 138 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। विश्वेश जी आपसे लेवल लेवल बोल दो, अगर मगर हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, सिर्फ लेवल बोल दो, 138 स्टॉप लॉस 149 टारगेट। ओके चलिए एक बार जरा मैं इस पर आए एक बार विकास जी से भी लेना चाहता हूँ। ठीक है विकास जी, अपनी राय दीजिए इक्विटास पर, अगर आपने उज्जीवन पर राय रखते तो इक्विटास पर भी आपको रखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल तेजी करनी चाहिए, और एक बात ये भी है कि उज्जीवन मैंने थोड़ी देर पहले ही 340 के लेवल पर रिकमेंड किया था और अभी 355-356 का ऑलरेडी टारगेट आ गया है इसका, और मुझे लगता है इसी तर्ज पे इक्विटास जो कि सिमिलर सा बिजनेस मॉडल है, स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस है, मुझे लगता है बिल्कुल चलना चाहिए आज, डेफिनेटली ये जो ऑलरेडी ऊपर तो है बट यहाँ से भी और 3-4% की तेजी बिल्कुल होनी चाहिए। 44 और 148 इस दो टारगेट के लिए आप कर लीजिए खरीदारी, आपके अगर और मगर विश्वेश जी दोनों भाग चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं सारे लेवल तोड़ के, 140 के पार है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से
ये स्टॉक 140 के ऊपर स्टेबल होता है तो उस सूरत में 149 ही नेक्स्ट लेवल आएगा, तो 138 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 148 जो आप टारगेट दे रहे हैं मेरे हिसाब से आज के दिन में पॉसिबल आ सकता है। तो चलिए 138 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, छोटा सा इसलिए कि आज का दिन वोलेटाइल है, ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं है। 138.50 में हमने रिकमेंड किया, 138.50 से 140 के बीच में आपने खरीदा होगा अलग अलग दाम पे। जो लोग संतुष्ट है सिर्फ एक गुलाबी नोट से 2000 वाली, उनके कितनी देर में बनेंगे 2000, जरा बताइए लॉट साइज चेक करके। डिम्पी जी आप तो हमेशा कैलकुलेशन में माहिर है एकदम। नहीं सर, मैं कुछ और देख रहा था, कुछ और चार्ट को देख रहा था एक्चुअली इसके। तो डिम्पी जी अभी आपको तुरंत बता देंगे कि 2000 कहां कहां कैसे कैसे कितने कितने बनते जाएंगे, जो 2000 बनते जाएं दूसरों के लिए जगह खाली करते जाएं, आई मीन दूसरे कॉल्स के लिए। सर सिर्फ 58 चाहिए, 8 बस 50 पैसे, 4000 का लॉट है तो 2000 आपको, 4000। चलिए कोई बात नहीं, फिर आप आज का दिन तो बड़ी कमाई का दिन है, बड़ी तेजी का दिन है तो होल्ड। अच्छा, इस बीच एक और बीटीएसटी का बिगुल नोट सभा में, ठीक है। किरण जी की तरफ तेजी से बढ़ेंगे हम, जो पुणे में नहीं आज मुंबई में ही है। किरण जी, अनिल जी, कैन बैंक जो बाय करने के लिए बोला था वो करीबन टारगेट के लिए आ गया है, 277 का टारगेट दिया था कैन बैंक में, तो वो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 271 का स्टॉप लॉस रहेगा और अभी टारगेट में इंक्रीज करना चाहूँगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा करीबन 280 और दूसरा 282।